लोकसभा में चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष का जमकर हंगामा। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए सदन का वॉकआउट किया तो वहीं चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने बिल पर आकर जमकर नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बिल में आकर बात करना सही नहीं। देश में एनआरसी लागू करने को लेकर रामदेव समेत कई लोगों के समर्थन किया है तो दूसरी तरफ टीएमसी ओबीसी इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लातेहार में रैली को संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को आपका वोट तय करेगा कि अगले 5 साल में झारखंड में किसकी सरकार होगी। विधायक का मुख्यमंत्री ने चुनकर आप राज्य का विकास चुने और विकास के लिए वोट दें। कांग्रेस नेता संजय निरुपम कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन के खिलाफ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सालों पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने गलती की थी, तब से ऐसी प्रतीक आज तक नहीं उठ पाई। अब महाराष्ट्र में हम वही गलती कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम बुरे ही ठीक हैं, जब अच्छे थे तब कौन सा मेडल मिल गया था। संजय राउत के ट्वीट पर एनसीपी नेता नवाब मलिक पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहों की जहमतों का तुम्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पांव में छाले नहीं रहे। एनआरसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। उन्होंने लिखा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, देश को फिर लाइन में लगाने की कोशिश, दुनिया में कहीं ऐसे परेशान नहीं किया जाता। जेएनयू छात्रों को शिवसेना का समर्थन मिला है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया था तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सामना के संपादकीय में केंद्र पर हमला बोला गया। लिखा गया कि दिल्ली की सड़कों पर दमन चक्र जेएनयू के छात्रों के मोर्चे पर दिल्ली में अमानवीय लाठीचार्ज हुआ। सैकड़ों स्टूडेंट के सिर फूट गए, हड्डियां टूट गई और खून बहा, हजारों गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली में बीजेपी का शासन है तो छात्रों के आंदोलन को रक्त रंजित करके कुचलना ठीक नहीं। एचआरडी मंत्रालय के साथ जेएनयू छात्रों की बैठक बेनतीजा रही। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यहां के युवा हैं। बीजेपी सरकार ने उनसे काम के मौके पर छीनकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी के सदस्य बनाने पर राजनीति शुरू हो गई। इस कमेटी में 21 सदस्य हैं। सदस्य बनाने को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली में गंदे पानी पर सियासत जारी है। बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर केजरीवाल से सवाल पूछा गया। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष जवाब देकर पोस्टर में लिखा गया है कि जहरीले पानी से दिल्ली में हाहाकार मचा है। भारत ने 2 पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट से 2 पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। 300 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन होगा तबाह। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली हुई। कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है। ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 और श्रीनिवासपुरी में एक्यूआई 484, गाजियाबाद के बसुंधरा में एक्यूआई 544 रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम योगी ने राजभवन में आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की तो सीएम ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने इस मौके पर उन्हें श्री रामचरित मानस भेंट की। सीएम योगी ने बस्ती के 30,000 गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी मुंडेरवा चीनी मिल का लोकार्पण किया तो साथ ही पिराई सत्र का शुभारंभ भी किया। मिल की क्षमता प्रतिदिन 5,000 टन गन्ना पिराई की है, इसे 7,500 टन तक बढ़ाया जा सकता है। पिराई सत्र 2019-20 में मुंडेरवा चीनी मिल में लगभग 60 क्विंटल गन्ना पिराई का अनुमान। उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। 1987 बैच के आईपीएस अनिल रतूड़ी, उन्होंने यूपी में 15 साल तक अलग अलग पद पर रहते हुए काम किया है।
यूपी होमगार्ड ड्यूटी घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। लखनऊ से होमगार्ड कमांडेंट कृपा शंकर पांडे को गिरफ्तार किया गया। कल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। होमगार्ड ड्यूटी घोटाला मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हुई। बीएचयू में अल्पसंख्यक प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में विरोध कर रहे छात्रों का भारतीय संघ समिति ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति बर्दाश्त नहीं है, धर्म विज्ञान संकाय में नियुक्ति बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कुलपति की को फिर से विचार करने की अपील की। यूपी के संभल नगर पालिका प्रशासन में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। आय और अवस्थापना निधि में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले सामने आने के बाद बवाल मचाया। शिकायतकर्ता सभासद के पति की माने तो पालिका प्रशासन में 11 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिकायतों पर जांच शुरू हुई जरूर है, लेकिन मुख्य आरोपी लिपिक अभी भी अपने पद पर बरकरार। देश और प्रदेश की सरकारें भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती हूं, लेकिन महोबा में तस्वीर उसके उलट है। जनपद में जहां डेंगू के मामले सामने आए, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके चलते एक ही गांव के लगभग आधे से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ गए। गांव में करीब 15 दिनों से ग्रामीणों को वायरल बुखार के साथ साथ बीमारियों ने जकड़ लिया है। कटिहार में राइफल पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये प्राणपुर थाना क्षेत्र के कुसाल गांव का है, जहां बारात में आए लोगों ने हर्ष फायरिंग की। मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब जांच की बात की जा रही है। कुशीनगर में सरिया व्यापारी ने धर्मकांटे पर घटतोली का आरोप लगाया। दरअसल सरिया व्यापारी ने धर्मकांटे के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन तहसीलदार के सामने धर्मकांटे के ऑपरेटर ने ट्रक चालक से मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। अयोध्या में राम जी को दूल्हा बनाकर उनकी बारात निकाली गई। पूरे धूमधाम से भगवान राम की बारात निकाली गई। अयोध्या से चलकर यह बारात शाम को आजमगढ़ पहुंचेगी। 22 नवंबर की आजमगढ़ से चलकर शाम में बक्सर पहुंचेगी और 23 नवंबर को बक्सर से पटना, 24 नवंबर को पटना से सीतामढ़ी, 25 नवंबर को सीतामढ़ी से दरभंगा पहुंचेगी। फिर 26 नवंबर को दरभंगा से चलकर बसोपति, 27 नवंबर को बसोपति से चलकर मटिहानी नेपाल पहुंचेगी, फिर 28 नवंबर को मटिहानी से चलकर जनकपुर नेपाल पहुंचेगी। गोंडा में बाइक चुराते नाबालिग चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोरी की गई बाइक मंडे नाला में बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक चुरा रहा चोर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया और बाइक छोड़कर फरार हो गया। बहराइच में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित बस खड्डे में जा गिरी, जिसकी वजह से बस में सवार करीब 56 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक यात्री की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हापुड़ के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर एक रफ्तार कार हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से पीछे जा घुसी, जिसके चलते कार सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में सिलेंडर बदलते वक्त मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, तो करीब 1 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलहरा कस्बे की घटना है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की ताजा तस्वीर राजौरी से सामने आई है। इससे चारों तरफ बर्फ जमने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। राजौरी में मशीनों के जरिए बर्फ हटाए जाने का काम शुरू किया गया। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल से चीन होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। चीन ने अपने रेट में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है, तो वहीं चीन के इस रुख से नेपाल का पर्यटन उद्योग भी चिंतित दिख रहा है। हर साल इस रास्ते करीब 20,000 भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर जाते हैं। इसी रास्ते जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए चीन ने अपना रेट बढ़ाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान धीरे धीरे अपने देश के अंदर ही घिरते जा रहे हैं। पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए और अब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी एक टिप्पणी पर उन्हें चेतावनी दे दी है। तो वहीं इमरान ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक जनसभा संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खासा से कहा है कि न्याय प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, ताकि गरीब और अमीर लोगों में कोई अंतर न रह जाए। केंद्र सरकार ने टेस्ला और ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन पीएलसी समेत दुनिया की 324 कंपनियों को देश के अंदर निवेश करने का न्योता भेज दिया है। ज्यादातर कंपनियों की फैक्ट्रियां चीन में मौजूद हैं।
जो अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारियों से प्रभावित हो गई हैं। हालांकि ये कंपनियां भारत आने से कतरा रही, क्योंकि जमीन खरीदने से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए आसानी से काम नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इस संबंध में जल्द ही कोई फैसला होने के अनुमान। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से कानून पारित किया है। ये बिल ट्रंप प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति देगा कि इस अहम वैश्विक आर्थिक केंद्र में राजनीतिक अशांति की वजह से इसे अमेरिकी कानून के तहत मिले विशेष दर्जे में बदलाव लाना ठीक है या नहीं। इसराइल में एक बार फिर कोई सरकार नहीं बन पाई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स बहुत साबित करने में नाकाम रहे, जिस वजह से एक बार फिर वहां कोई भी सरकार नहीं बन पाई। बेनी गेंट्स ने घोषणा की है कि वो बुधवार को आधी रात की वक्त सीमा तक समय सीमा तक सरकार बनाने में नाकाम रहे, इस वजह से इसराइल में एक साल से भी कम समय में तीसरे चुनाव की संभावना बढ़ गई। तो सरकार ने आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड समेत 5 सरकारी कंपनियों के विनिवेश की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। इन कंपनियों को प्रबंधन सरकार अपने पास रखेगी, साथ ही शेयर हिस्सेदारी 51% से नीचे लाई जाएगी। केंद्र के पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 53.29% हिस्सेदारी है। पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान और दिल्ली ने अगस्त और सितंबर महीने में मिलने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि जारी नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों पर आधारित एम्पावर कमेटी की बैठक के बाद 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस बारे में संयुक्त बयान जारी किया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि केंद्र सरकार इसका कोई वाजिब कारण नहीं बता रही है, इसके चलते राज्यों में वित्तीय संकट खड़ा हो गया। बता दें कि जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों की वैट से जितनी आमदनी थी उतनी जीएसटी से नहीं आती, तो राज्यों की केंद्र 14% दर से क्षतिपूर्ति करती। यूपी के बिजली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्तीय घोटाले के आरोपों में फंसी डीएचएफएल के प्रबंधन को भारतीय रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिया है। डीएचएफएल में वित्तीय गड़बड़ियों और इसमें प्रबंधन की मिलीभगत के बारे में कई महीनों से सूचनाएं मिल रही थी कि कंपनी एक के बाद एक कई देनदारियों का भुगतान भी नहीं कर पा रही, जिसके चलते आरबीआई ने डीएचएफएल बोर्ड को ही निरस्त कर दिया। साथ ही डीएचएफएल पर निगरानी रखने के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया है। सरकार ने टेलीकॉम उद्योग को स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान में 2 सालों की राहत देने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान की कुल अवधि नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि 2 सालों का बकाया बाकी सालों के दौरान बराबर किश्तों में करने की छूट दी गई है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को 2 साल की स्थगित अवधि का ब्याज देना पड़ेगा, उसमें कई छूट नहीं दी गई है। बता दें कि उद्योग फिलहाल तत्काल 42,000 करोड़ रुपए की अदायगी से बच गया है। सरकार के इस फैसले से पैसों के संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत मिली। तो शेयर बाजार नियामक सेबी ने कर्ज के डिफॉल्ट पर सख्त रुख अपनाते हुए कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। इसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों को कर्ज के मूलधन और ब्याज के डिफॉल्ट में 30 दिन से ज्यादा होने पर तुरंत बाजार नियामक को सूचना देनी होगी। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ शेयरों के राइट इश्यू से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। बीआरआर देना शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए जरूरी हो गया, जबकि अभी तक 500 कंपनियों के लिए ऐसा करना जरूरी था। नियामक ने बोर्ड बैठक के बाद कहा है कि अगर कर्ज के डिफॉल्ट को 30 दिन से ज्यादा वक्त हो जाता है तो सूचीबद्ध कंपनियों को 24 घंटे के भीतर खुलासा करना होगा। भारत के निशानेबाज मनु भाकर ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 17 साल की मनु 244.7 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष पर है। भारतीय टीम अपना पहला डे नाइट का टेस्ट मैच खेलने को तैयार है, जो 22 से 26 नवंबर के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच में सब कुछ सही रहे इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ले रखी है। ओमान के खिलाफ 0-1 से हार के साथ ही भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से करीब बाहर हो गई है। अब भारतीय फुटबॉल टीम का क्वालिफाई कर पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। भारत के खिलाफ नूर सुल्तान में होने वाले डेविस कप मुकाबले खेलने से एहसाम उल हक, कुरैशी और अकील खान जैसे सीनियर खिलाड़ियों के इनकार के बाद पाकिस्तान को टीम में 17 साल के 2 नए खिलाड़ियों को लेना पड़ा, जो भारत के खिलाफ खेलेंगे।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में होने वाले भारत के पहले डे नाइट टेस्ट के पहले चार दिन के सभी टिकट बिक गए हैं। भारतीय टीम के साथ साथ फैंस को भी पहले डे नाइट टेस्ट के लिए एक्साइटमेंट है। रिलीज होते ही अखियों से गोली मारे सॉन्ग वायरल हुआ। गोविंदा और अभिनय टंडन का गाना अखियों से गोली मारे को रिक्रिएट किया गया। कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे स्टार फिल्म पति पत्नी और दो के लिए इस गाने को रिमेक बनाया गया है। इस नए वर्जन को फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है। विकी एक बार फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करते नजर आएंगे। विकी की आने वाली फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म होगी। इस फिल्म का नाम द इमॉर्टल अश्वथामा है। द इमॉर्टल अश्वथामा एक एक्शन ड्रामा है। इसकी शूटिंग ग्रीनलैंड, टोक्यो, न्यूजीलैंड और नामीबिया में होगी। बॉलीवुड लीजेंड सिंगर लता मंगेशकर की बीते कई दिनों से तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उनकी सेहत में पहले से सुधार है और वो बहुत जल्द डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। लता दीदी को याद करते हुए धर्मेंद्र ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की। धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर लता मंगेशकर की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, जान हो जमाने की, यू ही मुस्कुराती रहो, लव यू लता जी। एक्ट्रेस इना खान अब विक्रम भट्ट के साथ बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इना खान के साथ फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की फिल्म हैग की शूटिंग पूरी हो गई है। ये फिल्म 31 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में लगने वाली है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने इस बात का खुलासा किया है कि वो अपनी आगामी एक्शन फिल्म अटैक के लिए शूटिंग जनवरी में शुरू करेंगी। जॉन अब्राहम अभिनीत इस फिल्म में दो अभिनेत्रियां होंगी, यानी कि इसमें जैकलीन को अभिनेत्री राहुल रकुल प्रीत सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करना होगा।